6 दिसंबर से पहले यूपी के मथुरा में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें, 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर यहां हिंदूवादी संगठनों ने जलाभिषेक कार्यक्रम का ऐलान किया था। अधिकारियों का कहना है कि प्रशासन मुस्तैद है और हर गतिविधि पर निगरानी रखी जा रही है। 4 हिंदूवादी संगठनों अखिल भारतीय हिंदू महासभा, श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास, नारायणी सेना और श्री कृष्ण मुक्ति दल ने 6 दिसंबर को मथुरा में गैर पारंपरिक कार्यक्रम की अनुमति प्रशासन से मांगी थी। ऐसे में अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने प्रशासन परिसर में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करने की इजाजत मांगी थी। हालांकि प्रशासन ने इन संगठनों को ऐसी किसी भी अनुमति को देने से मना कर दिया है। वहीं मथुरा के डीएम नवनीत सिंह चहल ने कहा कि ऐसे किसी भी कार्यक्रम की इजाजत नहीं दी जा सकती है जिससे इलाके की शांति व्यवस्था भंग हो। वहीं सुरक्षा के दृष्टि से प्रशासन ने मथुरा को 3 जोन में बांट दिया है। जिस इलाके में कटरा केशव मंदिर और शाही ईदगाह आता है उसे रेड जोन घोषित कर दिया गया है और जहां पर सबसे ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। वहीं एसएसपी गौरव ग्रोवर ने कहा कि मथुरा में प्रवेश के हर मार्ग पर भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। इसके अलावा जिले के सभी प्रवेश बिंदुओं पर गहन चेकिंग भी की जा रही है। तो ऐसे में मथुरा में 3 जोन में इलाकों को बांट दिया गया है। आपको बता दें, 6 दिसंबर यानी कि कल 6 दिसंबर है, उससे पहले मथुरा में जबरदस्त सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ड्रोन से लगातार नजर रखी जा रही है। दरअसल कल बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी है जिस पर कुछ हिंदूवादी संगठनों ने जलाभिषेक की बात की थी, प्रशासन से अनुमति मांगी थी और इसी को लेकर हालांकि प्रशासन ने तो अनुमति नहीं दी है लेकिन वहां पर माहौल ना बिगड़े, किसी भी तरह की कोई भी संदिग्ध गतिविधि ना हो उसको लेकर पहले से ही तस्वीरें भी देख रहे हैं आप, किस तरह से प्रशासन मुस्तैद हो गया है और सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ मथुरा से हमारे संवाददाता सुरेश सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश, क्या कुछ मथुरा में अभी हालात बने हुए हैं? 6 दिसंबर यानी कि कल का जो दिन है जलाभिषेक की, जो प्रशासन से इजाजत मांगी गई थी, सुरक्षा उससे पहले काफी बढ़ा दी गई है। अगर आज की बात की जाए तो आज मथुरा में कैसा माहौल है? जी, मैं बता दूं कि जिस तरह से मथुरा में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन द्वारा पूरे प्रयास किए जा रहे हैं और जिला प्रशासन की एक तरह से कहें तो हाथ पैर खुले हैं, क्योंकि जिस तरह से कुछ हिंदू संगठनों द्वारा ये आह्वान किया गया था कि 6 दिसंबर को वह शाही ईदगाह मस्जिद में जाकर के भगवान श्री कृष्ण का मूर्ति का जलाभिषेक करेंगे, तो जिसको लेकर के कई लोगों ने अनुमति भी मांगी थी लेकिन जिला प्रशासन द्वारा इस तरह की कोई अनुमति नहीं दी गई है। और पूरे इलाके में जहाँ धारा 144 लागू की गई है, वहीं आज लगभग 2200 जो है जवान तैनात किए गए हैं, जिसमें पीएसी रैपिड एक्शन फोर्स के साथ साथ सिविल पुलिस एलआईयू के जवान, इस तरह की कई जो है सुरक्षा एजेंसियां जो है यहाँ पे तैनात की गई हैं और जो चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। पूरे इलाके को रेड जोन के साथ साथ जोन, सुपर जोन और सेक्टर में बांटा गया है। इसी के साथ साथ जो अधिकारी हैं वह पूरे मामले पर निगाह बनाए हुए वहां पर जो है पुलिस चारों तरफ गश्त कर रही है और साथ ही साथ जो इलाका है उसमें ड्रोन के द्वारा भी नजर रखी जा रही है, ताकि कहीं से भी किसी भी तरह से कोई अप्रिय घटना या असामाजिक तत्व जो है वो माहौल को बिगाड़ने की कोशिश ना कर सके। इसी को लेकर के जो मस्जिद है, मस्जिद के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है, सुरक्षा बल जो है तैनात है, जिसमें रैपिड एक्शन फोर्स है, पीएसी है, उसके साथ साथ अन्य पुलिस बल है जो कि किसी भी आने जाने वाले की सघन जांच के बाद उसको भेजा जा रहा है, या अन्यथा वहां जिस तरह से जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए वे काफी यानी कि सुरेश, ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से लगातार पहले प्रशासन से इजाजत मांगी जा रही थी जलाभिषेक की और उसके बाद लगातार ये लग रहा था प्रशासन को कि कोई भी किसी भी तरह की कोई भी गतिविधि ना हो उसको लेकर, इसीलिए पहले से अलर्ट जारी कर दिया गया था। यानी कि 6 दिसंबर जिसके लिए इजाजत पहले से मांगी जा रही थी, कल किसी भी तरह की कोई घटना ना हो, प्रशासन पूरी तरह से पहले से ही मुस्तैद है, अलर्ट है। जी बिल्कुल, सरकार जो है, प्रशासन जो है पूरी तरह से मुस्तैद है और हर तरफ निगाह बनाए हुए है कि किसी भी तरह से ऐसी कोई घटना नहीं होनी चाहिए जिससे कि शांति व्यवस्था का जो माहौल है वो बिगड़ सके, और इसी को लेकर के पूरे चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात है और सभी पर नजर रखी जा रही है। वही अगर हम कहें तो जिस तरह से छावनी की तरह मस्जिद और मंदिर एरिया को जो है छावनी में तब्दील कर दिया जाए, जहाँ हर तरफ फोर्स ही फोर्स जो है तैनात कर दी गई है और पूरे इलाके में, इसी के साथ साथ अगर कहे तो वहाँ के आसपास का जो यातायात का जो रूट है उसको भी बदला जाएगा। कल से उस जन्मभूमि परिसर के आसपास लगभग 1 किलोमीटर के एरिया को नो व्हीकल जोन में भी घोषित कर दिया जाएगा, जहाँ पर किसी भी तरह के वाहन की आवाजाही बंद कर दी जाएगी
और पुलिस जो है वो पूरे मामले पूरी नजर बनाए हुए कि किसी भी तरह से 6 दिसंबर का जो दिन है वो निकल जाए और शांति व्यवस्था बनी रहे। बिल्कुल सुरेश, और जिस तरह से देखिए चुनाव भी बहुत नजदीक है, 2 से 3 महीने में चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में उससे पहले क्या ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश कहीं ना कहीं की जा रही है? बिल्कुल, एक तरह से देखा जाए तो ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। जिस तरह से 2022 का चुनाव है, जिस तरह से हमारी आज जो मस्जिद के सचिव है तनवीर अहमद, उनसे जो बात हुई, उन्होंने भी साफ कहा था कि मथुरा में जिस तरह का माहौल रहता है भाईचारे का, वो दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलता। जिस तरह से यहाँ पे ईद होती है तो हिंदू भाई अपने मुस्लिम भाइयों से गले मिलते हैं, जन्माष्टमी होती है तो जो बाहर के यात्री जो आते हैं उनके लिए मुस्लिम भाई जो है वो भंडारे लगाते हैं, और जब होली होती है तो मुस्लिम भाई हिंदुओं से गले मिलते हैं। तो यहाँ जो प्रेम का, सौहार्द का जो व्यवहार, जो भाईचारा देखने को मिलता है वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता है। और इसी के साथ साथ आज जब तनवीर अहमद से हमारी बात हुई तो उन्होंने साफ कहा कि ये सब 2022 का जो है माहौल बनाने की कोशिश है, और जो कि मथुरा की जनता इसको कामयाब नहीं होने देगी, क्योंकि मथुरा की जो जनता है वो प्रेम से रहने वाली है, भाईचारे से रहने वाली है, और यमुना राम रहीम को मानने वाली है। तो जिस तरह से यहाँ की जो प्रेम के जो शुरू से जो संदेश जाता है वो आज भी बना रहेगा और आगे भी बना रहेगा, लेकिन जो लोग माहौल बनाने की कोशिश करते हैं वो इसमें नाकाम साबित होंगे। जी चलिए ठीक है सुरेश, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। काफी महत्वपूर्ण दिन कल होने वाला है मथुरा के लिहाज से। फिलहाल आपका सुरेश बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ऐसे में आपको बता दें 6 दिसंबर यानी कि कल से पहले मथुरा में पूरी तरह से सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है, अलर्ट जारी कर दिया गया है, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है, सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय घटना न घट सके।